जब भी संशोधकों के बारे में कहा जाता है तो पहला नाम आता है आइजैक न्यूटन का, जिन्होंने पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है ये सिद्ध किया। कुछ सालों बाद ये बात फिर एक बार चर्चित होने लगी कि गुरुत्वाकर्षण की सापेक्षता के इस शक्ति का निर्धारण कैसे किया जाए। ये सवाल खड़ा हुआ अल्बर्ट आइंस्टाइन की वजह से। कैसे, जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस कहानी में। जीवन एक ऐसी शक्ति है जिसे हर तरफ से महसूस किया जाता है, जैसे कि आकाश, पाताल और जमीन। किसी न किसी रूप में ये जीवित दिखाई देती है। ये जीवन एक लय में बंधा हुआ है, वो है गति यानी स्पीड का अनुमान लगाया है। मानव इतिहास के जाने माने बुद्धिजीवी अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 20वीं सदी के प्रारंभिक 20 वर्षों तक विश्व के विज्ञान जगत पर छाए रहे। अपनी खोज के आधार पर उन्होंने अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। इस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ 14 मार्च 1879 में जर्मन के गुटेनबर्ग में। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा उन पर हावी रहती थी। एक दिन अल्बर्ट ने अपने गुरु से पूछा, सर मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ? अध्यापक ने कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। और बस उन्होंने इसे अपना गुरु मंत्र मान लिया और निश्चय किया कि अभ्यास के बल पर ही मैं एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। कुछ ही समय में अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा। बचपन में वे गणित में अधिक कमजोर थे, पर उन्होंने दिन रात परिश्रम किया और आगे चलकर उन्होंने अध्ययन के लिए गणित जैसे जटिल विषय को ही चुना। 1895 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 16 साल की उम्र में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक ज्यूरिख की एंट्रांस परीक्षा दी। पहली बार वो असफल रहे, लेकिन हार न मानते फिर एक बार प्रयत्न कर उन्हें ज्यूरिख पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला मिल गया। और 1900 में आइंस्टाइन को ज्यूरिख पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से पुरस्कृत किया गया। में आइंस्टाइन ने ज्यूरिख विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की और ठीक उसी साल आइंस्टाइन का सबसे बड़ा योगदान रहा अंतरिक्ष और समय के रिश्तों को परिभाषित करने का। मतलब कल्पना कीजिए कि दो निरीक्षक हैं, एक ट्रेन में से गुजर रहा है और दूसरा प्लेटफॉर्म पर है। ट्रेन में से गुजर जाने वाला निरीक्षक एक गेंद के साथ खेल रहा है जो सीधा ऊपर जाकर उसके हाथ में गिरता है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर निरीक्षक है उसे ऐसे दिखाई देता है कि ट्रेन के रफ्तार के कारण वो गेंद ऊपर जाकर आगे से नीचे आती है। ये गुरुत्वाकर्षण की सापेक्षता है। और समय की सापेक्षता उन्होंने गणितीय रूप में साबित की, वो है E=mc², मतलब गतिशील मार्ग में अंतरिक्ष अनुबंध संकुचित होगा और समय का अनुमान ज्यादा होगा।
सिद्धांत को 1905 में सापेक्षतावाद के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत ने भौतिकी के मार्ग को परिवर्तित कर दिया और ब्रह्मांड के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में मानव की समझ को गहरा कर दिया। इस वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम संपूर्ण यूरोप में भौतिकी विज्ञानों में फैल गया। उस वक्त उन्हें उन्हीं की क्लास में पढ़ने वाली मोलेवा मारिक से प्यार हुआ। उन्होंने शादी की और अल्बर्ट एक पति के साथ साथ अच्छे पिता भी बन गए। सन 1912 में आइंस्टाइन ज्यूरिख को पॉलिटेक्निक में प्रोफेसर बनने का मौका मिला। फिर सन 1914 में उन्होंने बर्लिन स्थित प्रशियन अकादमी ऑफ द साइंस में नियुक्ति भी ले ली। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को वर्ष 1916 में जर्मन ईयर बुक ऑफ द फिजिक्स में उन्होंने प्रकाशित करवाया। में जब रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने उनके सिद्धांत को मान्यता प्रदान की, तब अल्बर्ट आइंस्टाइन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। इसके बाद अल्बर्ट ने सन 1921 तक सारे यूरोप में घूमकर अपने विचार बुद्धिजीवियों के सामने रखे। अगले 3 वर्ष उन्होंने विश्व भ्रमण किया और अपने सिद्धांत की लोगों को जानकारी दी। सन 1921 में आइंस्टाइन को भौतिक क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिन चमत्कारों का उपयोग हम अपने दैनंदिन जीवन में करते हैं, जैसे कि इंटरनेट सैटेलाइट के द्वारा जो जानकारियां हमें प्राप्त होती है, उन सभी आविष्कारों में अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी योगदान रहा है। उनके सिद्धांत जैसे सापेक्षता का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा, समीकरण अणुओं की ब्राउनियन, गति के प्रकाश के ऊष्मीय गुण, विकिरण के सिद्धांत आदि की बदौलत ही आज नए नए आविष्कार संभव हो रहे हैं। उन्हें विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में गिना जाता है। इस महान वैज्ञानिक का 18 अप्रैल 1955 यह अंतिम दिन रहा। वैज्ञानिक थे जो अपने दिमाग में ही शोध का विजुअल प्रयोग कर लेते थे और गणित के सूत्रों और समीकरण द्वारा उसे साबित करते थे। उनका यह जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी मेहनत, हिम्मत और लगन से सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो कहते हैं, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यदि मानव जाति को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता होगी।